सुप्रभात बच्चों, पिछली कक्षा में हमने बात अठन्नी की कहानी के प्रथम प्रश्न उद्देश्य की चर्चा की थी। आज का प्रश्न है शीर्षक की सार्थकता। उत्तर इस प्रकार है, कहानी का शीर्षक बात अठन्नी की भाव पक्ष के साथ साथ कहानी के सार को भी बताता है। इस शीर्षक के द्वारा लेखक ने आठ आने का जिक्र किया है। यह शब्द धीरे धीरे पूरी कहानी का केंद्र बन जाता है। बच्चे की बीमारी के समय रसीला को अपने मालिक से किसी प्रकार की मदद नहीं मिलती है, इसलिए उसे रमज़ान कुछ पैसे उधार देता है, जिसे वह गांव भेजकर अपने परिवार की मदद करता है। वह धीरे धीरे रमज़ान के सारे पैसे चुका देता है, परंतु आठ आने का उधार अभी भी बाकी रह जाता है। वह मालिक के पैसों से आठ आने की हेरा फेरी कर रमज़ान को लौटा देता है। भाग्य चक्र के कारण रसीला की चोरी पकड़ी जाती है और उसे 6 महीने की जेल हो जाती है। दूसरी ओर हजारों की रिश्वत लेने वाला उसका मालिक आराम से चैन की नींद सोता है। अतः आरंभ से अंत तक कहानी आठ आने की धुरी में घूमती है, इसलिए सार्थकता की दृष्टि से यह शीर्षक ही कहानी का सार है। कहानी का तीसरा प्रश्न है, रसीला का चरित्र चित्रण लिखें। उत्तर इस प्रकार है, रसीला बात अठन्नी की कहानी का मुख्य पात्र है। वह बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर का काम करता है। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के हैं। इस सबका पालन पोषण वह 10 रुपये मासिक वेतन के द्वारा करता है। वह बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति है। वह अपना काम पूरी निष्ठा के साथ करता है। शायद इसलिए उसके मन में यह उम्मीद है कि उसका मालिक खुश होकर एक दिन उसकी वेतन को बढ़ा देगा, परंतु ना ही मालिक ने उसके पैसे बढ़ाए और ना ही मुसीबत के समय उसकी मदद की। मन ही मन उसके अंदर एक आक्रोश ने जन्म ले लिया। मजबूरी और परिस्थितियों से विवश होकर वह चोरी कर बैठता है। वह रमज़ान का सच्चा मित्र था, इसलिए हर हाल में दोनों एक दूसरे का पूरा पूरा साथ देते हैं। कहानी का चौथा प्रश्न इस प्रकार है, रमज़ान का चरित्र चित्रण लिखें। उत्तर, रमज़ान जिला मजिस्ट्रेट शेख सलमुद्दीन के यहाँ चौकीदारी का काम करता है। रसीला की तरह वह भी कहानी का एक मुख्य पात्र है। दोनों आपस में घनिष्ठ मित्र हैं। रमज़ान न्यायप्रिय, ईमानदार
तथा उदार व्यक्ति है। वह जागरूक नागरिक होने के साथ साथ दयालु भी है। अपने इसी स्वभाव के कारण जब रसीला को पैसों की ज़रूरत थी तब वह उसे बिना सोच विचार के पैसे दे देता है। वह समाज में फैले भ्रष्टाचार का खुलकर विरोध करता है कि हजारों की रिश्वत लेने वाले व्यक्ति नरम गद्दों में आराम करते हैं और अठन्नी की चोरी करने वाला रसीला जेल की सजा काटता है। अतः हमारे मालिक स्वार्थी हैं और वह पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिख लीजिएगा। धन्यवाद। प्रभात। पिछली कक्षा में हमने भाग्य के भरोसे पाठ 2 की चर्चा की थी। आज हम इसी पाठ के प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे। मौखिक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तीनों मछलियों के नाम क्या थे? तीनों मछलियों के नाम हीरा, पारो, सुनिधि थे। दूसरा प्रश्न, मछुआरे प्रसन्न क्यों हुए? नदी में मछलियों की अधिक संख्या देखकर मछुआरे प्रसन्न हो गए। तीसरा प्रश्न, पारो ने सबसे अधिक प्रबल किसे माना? उत्तर, पारो ने सबसे अधिक प्रबल भाग्य को माना। चौथा प्रश्न, पारो मछली किसमें फंस गई? उत्तर, पारो मछली जाल में फंस गई। लिखित लघु उत्तरीय प्रश्न, तीन मछलियाँ नदी में कैसे रहती थीं? तीनों मछलियाँ नदी में बड़े प्रेम से मिलजुल कर रहती थीं। दूसरा प्रश्न, मछलियों ने समस्या सुलझाने के लिए क्या किया? उत्तर, मछलियों ने समस्या सुलझाने के लिए एक सभा का आयोजन किया। तीसरा प्रश्न, जाल में फंसने के बाद पारो मछली ने क्या सोचा? उत्तर, जाल में फंसने के बाद पारो मछली ने सोचा कि जाल में फंस जाना ही उसके भाग्य में लिखा है। धन्यवाद।